हेलो दोस्तों, आप सभी को करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जो हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं, कैथरीन रसेल बने हैं, और आपका कौन बने हैं? तो आप कहिएगा कि गिलबर्ट गिलबर्ट होंगवो बना, क्रिस्टालिन जोर जीवा बने। तो विश्व बैंक जो होती है, मतलब कि विश्व बैंक जो होती है, वर्ल्ड बैंक जो होती है, उसकी नई अध्यक्ष बन चुकी है। वो बनी है, किसने बनी है? तो वो बनी है अजय बंगा। क्या नाम है इसका? अजय बंगा नाम है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर इसको अजय बंगा को कुछ इस तरह से आपको देखना है तो आप लिख दीजिए थोड़ा सा, AJAY अजय बंगा। क्या लिखना? AJAY अजय, BANGA अजय बंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैथरीन रशेल का स्पेलिंग क्या होगा? कैथरीन, KATHERINE, कैथरीन रसेल, RUSSELL, रसेल, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद में गिलबर्ट जो होती, गिल्टन की अगर बात करें तो गिलबर्ट होंगवो, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, गिलवर्ट, GILVERT, गिलवर्ट। उसके बाद आपका होंगवो, HONGBO, होंगवो। उसके बाद आपका क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, KRIS, TALINA, क्रिस्टालिना। उसके बाद आपका कौन है? जॉर्जीवा, GEORGIEVA, GEORGIEVA, जॉर्जीबा। तो जैसा कि क्वेश्चन आपने देख लिया कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? तो वो आपका जो बने हैं वो बने हैं अजय बंगा बने हैं। तो बिल्कुल भी आप इसको नहीं भूलिएगा। अगला जो आपके क्वेश्चन है कहता है कि क्वेश्चन क्या है, अगर हम बात करें कि अजय जो कि अजय अजय बंगा है, AJAYBANG, तो अजय बंगा कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनका नाम है अजय बंगा। यहाँ पे मैं आपको लिखना चाहता हूँ, AJAY अजय, BANGA अजय बंगा की कुछ ये रहस्य, जो कि ये पूरे भेटना रूप से दिखते हैं। और अजय बंगा है जो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं, विजय विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इनके बारे में आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि आपका इंडिया ओरिजन अजय बंगा कौन है, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंट। आगे हमारी है, इनके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय मूल के अजय बंगा, क्या नाम है इसका? अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। इंडिया ओरिजन अजय बंगा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वे 2 जून 2023 को पद संभालेंगे।
2 जून, अभी इनका पद की जो पद पद पे जा चुके हैं वो नहीं है, इनके पीछे हैं। इनका जो पद संभालने की जो भार मिलेगी वो 2 जून 2023 को संभालेंगे। वी विल टेक ऑफिस ऑन 2 जून 2023। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। हीज ट्यूनर्स विल बी फॉर 5 ईयर्स। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट, इसके बारे में, इनके बारे में जानकारी है, जो कि अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, और ये 2 जून 2023 से अपना पद संभालेंगे और ये आगे 5 साल तक रहेंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ और बात जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें उन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडेन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। हाँ, जो बाइडेन ने अजय बंगा को, जो कि एक भारतीय थे, उनको नॉमिनेट किया गया था विश्व बैंक की, मतलब भारतीय बैंक की, क्या करने के लिए? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ कि आस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, JOE, जो भी आईडी, जो बाइडेन नॉमिनेटेड NOMINATED नॉमिनेटेड हीज फॉर दिस पोस्ट। अजय बंगा का जन्म पुणे में 10 नवंबर 1959 को हुआ था। तो अजय बंगा जो कि एक भारतीय हैं, अजय बंगा जो कि एक भारतीय हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो पुणे में हुआ है, 10 नवंबर 1959 को हुआ था। अजय बंगा वाज बॉर्न ऑन 10 नवंबर 1959 इन पुणे। उन्हें जालंधर और शिमला के स्कूलिंग की है। ड्यू से ग्रेजुएशन और IIM अहमदाबाद से MBA किया है। ही हैज डन हीज इस स्कूलिंग फ्रॉम जालंधर एंड शिमला, ग्रेजुएट फ्रॉम ड्यू एंड हैज एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं। अजय बंगा जो है वो मास्टर कार्ड जो होती है, आपका जो होती है मास्टर कार्ड होती है, क्या होती है? मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं अजय बंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, जो कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया एक भारतीय को। ही हैज बीन द CEO ऑफ मास्टर कार्ड। बंगा वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। बंगा इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल आप इस पे ध्यान लगा ही रखिए, मैं आपको लास्ट तक रहूँगा साथ। विश्व बैंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि विश्व बैंक की बात हो ही रही है, तो द वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं। इसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था। जो विश्व बैंक है आपका जो है, विश्व बैंक जो संभाला गया था वो कब, विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1944। मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहोगे कि वाशिंगटन DC में है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उसका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। और विश्व बैंक जो है आपका जो है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमारे एक भारत के मूल निवासी को नॉमिनेट किया था। और इसकी जो मुख्यालय है, विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में, मतलब कि HEADQUARTER हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC
कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी की स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिए, WASHINGTON, WASHING वाशिंग, WASHING वाशिंग, TON वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय अर्थशास्त्री की बात करें तो इंदर इंदरमीत गिल है, और अगर बात करें तो चीफ ऑफ इकोनॉमिक्स 189वां देश की सदस्य, 189, 90 देश इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य कितने? 189वां सदस्य हैं। तो विश्व बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रही थी। अब चलिए हम विभिन्न कंपनियों के एक बार सीईओ पर नज़र डालते हैं। गूगल एंड अल्फाबेट, गूगल एंड ALPHABET, गूगल एंड अल्फाबेट के जो आपका जो मैं यहाँ पे लिखते आपको चलता हूँ कि गूगल क्या बोलते हैं उसको, GOOGLE, गूगल एंड अल्फाबेट, गूगल एंड ALPHABET, गूगल एंड अल्फाबेट के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो वो हैं सुंदर पिचाई। इनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई, सुंदर SUNDAR, सुंदर पिचाई, PICHAI, सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई है। अच्छा, अगर आप बोलिएगा कि सुंदर पिचाई यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो हम मैं बोलूँगा यूट्यूब के सीईओ हैं जो नील मोहन है। कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ जो हैं वो नील मोहन है। तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, यूट्यूब के अगर सीईओ की बात करें जिसपे हम लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, वो है नील मोहन। नील मोहन की स्पेलिंग क्या होगी? NEIL, नील, NEIL, नील, MOHAN, नील मोहन इज द करेक्ट उत्तर आपका जो है हो जाएगा। यूट्यूब के सीईओ की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा नील मोहन। नील मोहन जो है वो यूट्यूब के सीईओ हैं। अगर हम वही जगह अगर बात करें कि यूट्यूब के सीईओ जो है वो नील मोहन है, उसी जगह अगर आप ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की सीईओ जो है वो दूसर कोई है। ट्विटर की स्पेलिंग की अगर हम बात करें, TWITER, TWITER ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे। लेकिन ट्विटर के सीईओ जो है वो दूसर कोई है। कौन है? उनका नाम है एलन मस्क, ELON, एलन, MUSK, मस्क, ELON, एलन, MUSK, मस्क। तो बात करें कि अब फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो माइक्रो कैसे लिखाती है? MICRO, माइक्रो SOFT, माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट की अगर सीईओ की बात करें तो वो सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो SATY, सत्या नडेला, NADELLA, सत्य नडेला, सत्य नडेला है। तो बिल्कुल फेसबुक के अगर हम बात करें तो फेसबुक की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो FACEVOO के। फेसबुक की अगर हम सीईओ की बात करें तो फेसबुक की सीईओ हो जाएंगे मार्क जकरबर्ग। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? MARK, मार्क हो जाएगी, JUCKER, जू का, जूकर, BERG, जूकरबर्ग, JUCKERBERG, जूकरबर्ग इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। तो सारे कंपनियों के एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गूगल के सीईओ की बात करें और अल्फ़ाबेट के सीईओ की बात करें तो वो है सुंदर पिचाई। यूट्यूब की अगर सीईओ की बात करें तो यूट्यूब के सीईओ आपका कौन हो जाएगा? तो नील मोहन हो जाएगा। ट्विटर की अगर हम सीईओ की बात करें तो ट्विटर के सीईओ एलन मस्क है। और अगर हम वही माइक्रोसॉफ्ट की बात, माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला के बाद सत्य नडेला है। और फेसबुक की वही अगर हम बात करें तो वो मार्क जुकरबर्ग है। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और सीईओ को देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अडोबे के सीईओ कौन है? तो अडोबे की स्पेलिंग जो आपकी जो हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि ADOBE, अडोबे के, अडोबे के जो सीईओ हैं वो कौन हो जाएगी? शांतनु नारायण। कौन हो जाएगी? शांतनु नारायण हो जाएगी, SHANTANU, शांतनु
नारायण हो जाएगी। संतानु SHANTANU संतानु, तो कौन है आपका एडोबे, एडोबे के सीईओ हैं। और वहीं जगह हम बात करें कि स्टारबक्स के सीईओ कौन है, तो स्टारबक्स के सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हा, नरसिम्हा क्या हो जाएगी, लक्ष्मण कौन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो जाएगी हमारे लक्ष्मण, LXMAN लक्ष्मण हो जाएगी। और उसके बाद हो जाएगी नरसिम्हन, नरसिम्हन कौन हो जाएगी, नर NAR, नर NARA, नर SIMHA, नरसिम्हन हो जाएगी, नरसिम्हन हो जाएगी। IBM के सीईओ कौन है, तो IBM के सीईओ है अरविंद कृष्णा। IBM के सीईओ आपका कौन हो जाएगा, तो अरविंद कृष्णा हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो ARBIND अरविंद हो जाएगी, उसके बाद में हो जाएगी कृष्णा, KRISHNA अरविंद कृष्णा हो जाएगी। तो आपका जो, एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। चलिए गूगल के सीईओ की बात करें तो वो है सुंदर पिचाई हो जाएगी। यूट्यूब की अगर सीईओ की बात करें तो नील मोहन हो जाएगी। और अगर ट्विटर के सीईओ की बात करें तो वो एलन मस्क हो जाएगी। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ हो जाएगी सत्य नडेला हो जाएगी। फेसबुक की अगर सीईओ की बात करें तो मार्क जकरबर्ग हो जाएगी। वहीं ची अगर हम देख ले तो एडोबे, एडोबे के सीईओ की बात करें तो संतानु नारायण हो जाएगी। और स्टारबक्स के सीईओ की बात करें तो लक्ष्मण नरसिम्हा हो जाएगी। और IBM के सीईओ की बात करें तो वो अरविंद कृष्णा हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। चलिए हम आज देख लेते हैं करंट अफेयर, मैं 3 दिनों से बढ़ा रहा हूँ और आज हमारे 3रा दिन है। मैं आपके सामने 5 मई 2023 के करंट अफेयर को लेके आया हूँ। डेली करंट अफेयर हम लाते हैं और डेली करंट अफेयर टेस्ट भी इसमें इंक्लूड रहती है, स्पेशल स्टैटिस जीके भी रहती है, बाईलिंगुअल क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में रहती है, दोनों चीज़ रहती है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा और करंट अफेयर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और 6 बजे सुबह हम लाइव आते हैं, तो न, न, मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, मैं आपके एक एक चीज़ नोट करा दूंगा। चलिए आज की मोटिवेशन लाइन की अगर बात करें तो आज की मोटिवेशन लाइन हमारे हैं बहुत ही अच्छे लाइन है प्यारे दोस्तों, इससे आपके अगर रोंगटे खड़ा नहीं हो तो मुझे फिर बता देना, मोटिवेशन का आग लग जाएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करती। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके सामने एकदम पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए SSC एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा कि SSC एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो हम लोगों का करंट अफेयर है वो सभी चीज़ें पूछती है। आपका MTS हो गया, CGL हो गया, GT हो गया, CPO हो गया, उसके बाद में साइंटिस्ट असिस्टेंस हो गया, उसके बाद में JEE हो गया, CHSL हो गया, JHT हो गया, स्टेनो हो गया, उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट जो आपका है वो इतना सारा है। उसके बाद और अगर हम बात करें तो आपका जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें, उसके बाद में स्टेनो और JT की बात करें, JEE की बात,
की बात करें, उसके बाद ग्रुप डी की बात करें, आरआरबी के अंदर आती है। आरआरबी है एच ई एल टी कोस्ट रेलवे की बात करें, एनटीपीसी, सीबीटी की बात करें, एएसएम की बात करें, सीआर ट्रेड अप्रो नोटिस की बात करें, तो ये सब जो हमारे यहाँ कवर करती है। उसके अलावा अगर बात करें तो RSMB, SSB इन्फो की बात करें, MP पटवारी की बात करें, HSCT की बात करें, BSSC की बात करें, MPPSC फॉरेस्ट सर्विस की बात करें, बिहार सिविल कोर्ट की बात करें, UPPCL की बात करें, पटना हाई कोर्ट स्टेनो की बात करें, UKPS की बात करें, UPPS पेट की बात करें, उसके बाद में UPPSC रो एरो की बात करें, RUNDSSJ स्टेनो की बात करें, तो ये सब जो हमारे हैं वो कवर करती है। उसके बाद और जो हमारे हैं वो ये सब की कवर करती है। JSSCGL की बात करें, उसके बाद UPPSC स्टेनो प्रो की बात करें, ये सब की बात करें, तो ये सब सारे के सारे कवर करते हैं। HSSC, ICSE ये सब की कवर करती है। आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है उसको भी करती है। बैंकिंग का एग्ज़ाम है कौन कौन, जैसे LIC हो गया, SBI हो गया, SB आपका जो है, SIDBI है, IBMP है, क्लर्क है, CPU का PU है, JK बैंक PU, RBI असिस्टेंस है, उसके बाद में RBI, LIC, SBI, LIC की बात करें तो ये सारे के सारे कवर करती है। चलिए उसके बाद अगर बैंकिंग की न्यूज की बात करें तो ये सारे के सारे और जो जितने भी है, कैनरा बैंक है, BOB PO की बात करें तो HRSHRs की बात करें, उसके बाद इस सारे एग्ज़ाम को करंट अफेयर कवर करती है। डिफेंस एग्ज़ाम के कवर करती है, जैसे CDS हो गया, अग्निवीर हो गया, इंडियन एयर फोर्स, अप्रेंटिस हो गया, CISF कांस्टेबल, फायरमैन कवर करती है, NDA NA काम करती है, अग्निवीर SSR करती है, उसके बाद में CAPF करती है, BSF कांस्टेबल, ASI करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड करती है, CISF कांस्टेबल करती है, AFCAT करती है, BSF करती है, SSB हेड कांस्टेबल करती है, और आपका करती है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप करती है, इंडियन आर्मी AASSR करती है, CRPF करती है। आपका जो है वो डिफेंस का बिहार पूरे डिफेंस में आपका जो है वो बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल DP यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, UP पुलिस असिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद में करती है UP पुलिस वर्कशॉप स्टाफ, उसके बाद में RPSSI UP कांस्टेबल, DP हेड कांस्टेबल, DP कांस्टेबल, AWO DP बिहार दरोगा करती है, उसके बाद में UP पुलिस HO करती है, उसके बाद JH पुलिस करती है, मतलब झारखंड पुलिस करती है, हरियाणा कांस्टेबल, हरियाणा SI, इसको UKSSI, इसको DP कांस्टेबल ड्राइवर करती है, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम के सारे कवर करते हैं यार, और भी हैं तो इन सारे को आप देख लेना, मैं कितनी बताऊँ।
अगला जो आपकी जो क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खोलेगी। अब भारत की पहली, अगर हम बात करें कि भारत की पहली, तो भारत की पहली अंडर टनल सी कहाँ खुलेगी। तो भारत की पहली अंडर टनल सी खुलेगी मुंबई में। एक बार स्पेलिंग पर हम नज़र डाल लेते हैं, अहमदाबाद की स्पेलिंग क्या होगी, तो आपको होगी AHMEDABAD अहमदाबाद होगी। उसके बाद अगर बात करें तो विशाखापट्टनम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो विशाखापट्टनम की VIVSAKHAPATANAMA विशाखापट्टनम हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की स्पेलिंग हो जाएगी MUMBAI मुंबई हो जाएगी। और अगर सूरत की बात करें तो वो हो जाएगी कॉन्टेस्ट हो जाएगी। तो बात करें कि भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी, तो भारत की पहली अंडर टनल खुलेगी आपका कहाँ खुलेगी, मुंबई में खुलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉन अंडर इन मुंबई इंडियन फर्स्ट अंडर सीजन टनल टू ओपन इन नवंबर नवंबर में खुल जाएगी। उसके बाद में बात करें तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुरंग गिर गांव मतलब कि मरीन ड्राइवर से पहले के करीब से शुरू होती है। अरब सागर गिर गांव चौपाटी और मालावार हिल के नीचे से गुजरती है और अंत में ब्रिज कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क में समाप्त हो जाती है। द टनल्स स्टार्ट क्लोज टू गिरगांव। उसके बाद पास अंडर द अरबियन सी चौपाटी एंड मालावार हिल एंड फाइनली एंड एट प्रियदर्शनी पार्क इन ब्रांच कांडी बाय कैंडी। चलिए, हाई स्पीड तटीय मार्ग का लक्ष्य 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 गिरगांव से बली बली तक 45 मिनट की पीक टाइम यात्रा को 10 मिनट तक कम करना है। द हाई स्पीड कॉस्ट COASTL कोस्टल रोयूट एम्स टू रिड्यूस द 45 मिनट पार्क टाइम जी जर्नी फ्रॉम गिरगांव टू वारली टू 10 मिनट्स। सुरंग का व्यास 12.19 मीटर है, जो समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे है। लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है। द डायमीटर ऑफ द टनल इज 12.19 मीटर्स बीच इज 17 to 20 मीटर्स बिलो सी लेवल अबाउट 1 किलोमीटर ऑफ द इतना। उसके बाद सुरंगों का निर्माण ब्रिहन मुंबई नगर निगम द्वारा बनाई जा रही मुंबई तटीय सड़क परियोजना का एक हिस्सा है। द कंस्टिट्यूशन ऑफ द टोनेल्स इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बिल्ट बाई द
उसके बाद भारत के प्रथम की अगर हम बात करें तो अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य, अपनी खुद की इंटरनेट वाला फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट फैक्ट्री कहाँ है, तो अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाली वाला पहला जो राज्य है वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो केरला है। केरला जो है वो फर्स्ट इंटरनेट वाला राज्य बन चुका है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो फर्स्ट ट्राइबल वोमेन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की अगर स्पेलिंग देखें तो द्रौपदी मुर्मू की स्पेलिंग कुछ ऐसे होगा, DRA DRAU द्रौ PADI द्रौपदी DRAU ड्रॉ PADI द्रौपदी मुर्मू MUR MU द्रौपदी मुर्मू की। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन, हाँ भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन जो हुआ है वो गुजरात में हुआ। इंडियाज़ फर्स्ट टू वालिक वालिक पंचायत फॉर्मेंट फॉर्मेंट गुजरात। उसकी बात करें तो कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है, तो कोयला खनिज दिवस आपका मनाया जाता है मतलब कि वेन इज कोल माइनर्स एट सेलिब्रेटेड, तो कोल में कितने हैं, तो कोल में कितने वर्ड्स हैं, तो आप देखो कि कोल में जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, एक दो तीन चार, ये चार वर्ड्स हैं। तो आपको कि चार वर्ड्स हैं यानी 4 मई को मनाई जाती है कोयला खनिज दिवस, कब मनाई जाती है 4 मई को मनाई जाती है, तो कोयला माइनर्स डे जो है वो 4 मई को मनाई जाती है जो कि कुछ इस तरह से आपका है। और इसका उद्देश्य हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में सशक्त बनाना है, मतलब कि उनका जो अधिकारी है उनके बारे में सशक्त बनाना है। इट एम्स टू इम्पावर वर्कर्स अबाउट देयर राइट्स। भारत की पहली कोयला खदान 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर करके, भारत की पहली कोयला खदान 1774 में 74 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और स्वेटोनिस ग्रांट हिटली हिटली द्वारा स्थापित की गई थी। खदान दामोदर नदी के तट पर रानीगंज कोयला में स्थित है। इंडियाज फर्स्ट कोल माइन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1774 बाई जॉन समर C2 ए कुछ इस तरह से आपका जो वो करेक्ट उत्तर आपका जो है वो हो जाएगा। उसके बाद एक 4 मई महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि 1907 में कब 1907 में ही रानीगंज पश्चिम बंगाल में भारत के पहली भूमिगत कोयला खदान का उद्घाटन किया गया था। इसका इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो है कि May 4 इज अ इम्पॉर्टेंट डे एज द फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल माइन इन इंडिया वाज इन INAUGURED इनगुरेटेड इन 1907 एट रानीगंज वेस्ट बंगाल। इसका PDF मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोयला के प्रकार जो है वो एंथ्रासाइट जिसमें जी यह सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है। एंथ्रासाइट जो आपका है एंथ्रासाइट की स्पेलिंग क्या होती है, तो एंथ्रासाइट ANTHANTHRACITE एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट की बात करें तो यह सबसे ऊंचा गुणवत्ता वाला कोयला है। क्या है एंथ्रासाइट जो है कोयला के टाइप में ये सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला है। और
एंथ्रासाइट 94 से 98% इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हाई क्वालिटी क्वार। उसके बाद आपका आता है बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 78 से 86 होती है। इस कोयले से कोक का निर्माण भी किया जाता है, मतलब बिटुमाइंस 78 से 86%। कोक इज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस कोल। तो इसके बारे में हो गया। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि लिग्नाइट जो है वो कोयला का एक प्रकार है, जो 28 से 30% जो उसमें कार्बन्स होती है, यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। मतलब कि लिग्नाइट की स्पेलिंग अगर की बात करें तो लिग्नाइट की अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो LIGNIT लिग्नाइट। तो लिग्नाइट इट प्रोविस टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू हेल्थ। उसके बाद पिट की बात करें तो उसमें 27% कार्बन होती है। यह कोयला के निर्माण के सबसे अव मतलब कि यह कोयले के निर्माण से पहले ही अवस्था होती है, मतलब कि पीट दिस इज द प्री प्रो प्रो प्रोड्यूक्शन स्टेज ऑफ कोल। उसके आगे हम बात करके महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में बात करें तो झारखंड में भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार, हाँ कोयला की अगर हम बात करें तो वो झारखंड में सबसे ज़्यादा। इसके बाद उड़ीसा आती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ आती है। झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्वी ऑफ कोल इन इंडिया, फॉलोड बाई ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ की बात करें तो। उसके बाद हमारा आता है कि बैनेसा हार्डसन किस एयरलाइंस कंपनी की पहली महिला सीईओ बने थे। अच्छा, वैनेसा हार्डसन किस एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है। करेक्ट, वैनेसा VANEAA से वैनेसा हार्डसन HUDSON हार्डसन हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ विच एयरलाइन कंपनी, मतलब कि वैनेसा हार्डसन किस एयरलाइन कंपनी की पहली पहली महिला सीईओ बनी है। तो वो बनी क्वांटा एयरवेज लिमिटेड बनी, क्वांट क्यू। स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग आप देख लीजिए QANTAS क्वांटस। उसके बाद में क्या है, क्वांटस एयरवेज एयरवेज AIRWAYS एयरवेज और लिमिटेड है, क्या है LIMITED लिमिटेड है। तो वैनेसा हार्डसन किस एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी थी। तो वो क्वांटा एयरवेज लिमिटेड है, QANTAS क्वांटास। उसके बाद करें तो क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वांटस कौन है, क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो वैनेसा हार्डसन को क्वांटा एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वैनेसा हार्डसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द न्यू सीईओ ऑफ क्वांटा एयरवेज लिमिटेड। वैनेसा हार्डसन एयरलाइन के इतिहास में इस पद के धारण करने वाली वाली पहली महिला बनी है। वैनेसा हार्डसन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजिशन इन द एयरलाइंस हिस्ट्री।
उसके बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन जो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की अगर बात करें तो वो उसकी स्थापना जो है तो वो 1920 में हुई थी। क्वांटा के विश्व के सबसे सुरक्षित एयरलाइन में से एक है। क्वांटा इज वन ऑफ द सेफेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। पीएम मोदी ने ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ईटानगर में उन्होंने डोनी पोलो एयरलाइन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी इन इना ईटापुर डोनी पोला एयरपोर्ट ऑफ द ईटापुर की बात करें तो उसके बाद आ जाती है कि प्रमुख ऐप और पोर्टल, ऐप पोर्टल और जारीकर्ता जैसे कॉल बिफोर यूडिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, AIS आयर विभाग संगम यू, ये सब जो है आप एक बार देख लीजिएगा। आवा प्रहरी ऐप IIT दिल्ली, तो इस पे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें हाल ही में प्रकाशित किया गया था? करें कि मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मेड इन इंडिया जो है 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें हाल ही में प्रकाशित किया गया था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज विच हैज बीन पब्लिश्ड रिसेंटली। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें हाल ही में प्रकाशित किया गया है? वो अमिताभ कांत को पीयूष गोयल। इसको हम लोग स्पेलिंग एक और देख लेते हैं। पीयूष की स्पेलिंग क्या होता है, हो सकती है PIYUSH पीयूष GOYAL पीयूष गोयल। उसके बाद अमिताभ कांत की अगर हम बात करें तो AMITABH अमिताभ KANT अमिताभ कांत की अगर हम बात करें तो। उसके बाद में किरण रिजिजू की स्पेलिंग आपको तो KIRN किरण RIJIJU रिजाजू, किरण रिजाजू है। उसकी बात करें तो निर्मला सीतारामन जो है उसकी स्पेलिंग की अगर हम बात करो तो NIRMALA निर्मला सीतारामन SITHARAMA निर्मला सीतारामन हो जाएगी। उसके बाद में अच्छा मेड इन इंडिया के जो लेखक है वो अमिताभ कांत हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। उसके बाद मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है और इस और इसे पूरा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज इज रिटन बाई अमिताभ कांत एंड पब्लिश्ड बाई रूपा पब्लिकेशन इंडिया। पुस्तक के माध्यम से अमिताभ कांत का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों और उद्यमों की सफलता में अंतर्राष्ट्रीय प्रदान करता है और वे भविष्य में कैसा आगे है। थ्रू द बुक अमिताभ कांत एम्स टू प्रोविड इन सीड
इंसिट इनटू द सक्सेस ऑफ इंडिया बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस एंड हाउ दे कैन मूव फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। उसके बाद में हम बात करें तो अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO थे। तो अमिताभ कांत इज अ फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के कौन थे? CEO हुआ करते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो परीक्षा संजीवनी की बात करें तो 2023 की सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। सीरिया बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जेफ्री हिंटन किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? जेफ्री हिंटन की अगर हम बात करें तो जेफ्री हिंटन की स्पेलिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। क्या होती है? JEOFFRRY जेफ्री हिंटन HINTON जेफ्री हिंटन। तो जेफ्री हिंटन किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? तो जेफ्री हिंटन ने एक कंपनी है जिसको से इस्तीफा दे दिए, वो है गूगल। गूगल की कंपनी से जेफ्री हिंटन ने इस्तीफा दे दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेफ्री हिंटन जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, इन्होंने जेफ्री हिंटन ने गूगल से क्या दे दिए हैं? इस्तीफा दे दिए हैं। और आप देखिए, इसके बारे में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के गॉडफादर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के गोल्ड फादर के नाम से प्रसिद्ध जेफ्री हिंटन ने गूगल से अपनी नौकरी छोड़ दी है। जेफ्री हिंटन की बात करें तो उसकी स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो जेफ्री हिंटन JOFFRY जेफ्री हिंटन HINTON जेफ्री हिंटन। तो जेफ्री हिंटन नोन एज द गोल्ड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हैज क्यूट हीज जॉब एट गूगल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उससे उनके काम के लिए 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड जीता था। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके काम के लिए 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। ही वॉन द ट्यूरिंग TURING ट्यूरिंग अवार्ड इन 2018 फॉर हीज वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेफ्री JEOFFRY जेफ्री हिंटन एक कंपनी वैज्ञानिक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रसिद्ध चैट बॉट्स जैसे ChatGPT और बींग के बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेफ्री हिंटन JEOFFRY जेफ्री हिंटन इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग द ग्रोइंग टेक्निकली ऑफ फेमस चैट बॉट्स सच ChatGPT एंड बींग। अब गूगल की बात करें तो गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इसके स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो लैरी की स्पेलिंग क्या हो सकती है? थोड़ी सी सोच को देखो। LARRY लैरी, उसके बाद में इसको कहते हैं PAGE लैरी पेज, उसके बाद में इसका नाम है सर्गेई ब्रिन। सर्गेई उसके बाद में ब्रिन की स्पेलिंग क्या होगा? तो
बी आर आई एन ब्रीन कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो गूगल की मुख्यालय कहाँ है, तो गूगल की मुख्यालय है माउंट व्यू में, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गूगल हेड क्वार्टर मोनिटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। गूगल की स्थापना जो हुई थी वो 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। गूगल फाउंडर 4 सितंबर 1998 मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। गूगल के सीईओ की बात करें तो गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई है, सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई है, जो कि कुछ इस तरह से बिल्कुल दिखते हैं, जो कि कहाँ के इंडिया की हैं। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी। तो विच इंडिया ओरिजिन ए एक्ट्रेस विल बी अवार्डेड द BAFTA फॉलोवर्स। तो मेरा सयाल की अगर स्पेलिंग की बात करें तो मेरा सयाल कुछ इस तरह से लिखाते हैं, और आपका प्रियंका चोपड़ा PRIYANKA प्रियंका CHOPRA चोपड़ा। उसके बाद में अगर बात करें तो मिंडी कलिंग MINDI मिंडी क्लिंग कलिंग कलिंग है। आर्ची आर्ची पंजाबी ARCHRG PUNJABI आर्ची पंजाबी हैं, आर्ची पंजाबी हैं। तो मीरा सयाल जो है, जो कि भारतीय मूल के किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी, तो वो की जाएगी आपका मीरा सयाल का, जो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। आगे हम लोग बात करें कि बाफ्टा फेलोशिप ब्रिटिश अभिनेत्री लेखिका मीरा सयाल को प्रदान की गई है। फेलोशिप 14 मई को लंदन में बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड समारोह के दौरान दी जाएगी। द फेलोशिप विल बी अवार्डेड ड्यूरिंग द इत्ता हो जाएगी। वाटा फेलोशिप फिलिप और या टेलीविजन में योगदान के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या हमारा है? बाफ्टा फेलोशिप फिल्म और या टेलीविज़न में योगदान देने वाले ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स है। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार, तो रूसी लेखिका मारिया रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता। मतलब कि रशियन ऑथर मारिया स्टेपानोवा विंस लीपिंग बुक प्राइज। इतना अमेजन की एलेसेंड्रा कोरेपा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। सोनम बांगचुक को मिला प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार। हाँ, सोनम बांगचुक की स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो सोनम बांगचुक को SONAM सोनम वांगचुक WAN वांग वांग WANG वांग CHU के वांग चूक सोनम बांगचुक को मिला प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार मिला है।
राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य के अभिनेता राज्य का स्थान दिया गया? राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य के अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड इनोवेटेड स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सैलरी? तो किसको दिया गया? वो दिया गया कर्नाटका को दिया गया है। चलिए, ये जो है ये इनोवेटन है आपका। इसके विनिर्माण फर्मों के बीच नवाचार पर एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कर्नाटका सबसे अभिनव राज्य है, इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में यह भी पाया पाया गया है कि विनिर्माण में नवाचार पूर्वोत्तर राज्यों असम को छोड़कर में सबसे कम इसे बाद बिहार में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 है। परीक्षा संजीवनी रैंकिंग और रिपोर्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 180 देशों में 161 है। इंडिया रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त किया। भारत लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139वां देश 38वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद में 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पंडित राम किशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था। पंडित राम किशन को मैन मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था। वह कौन है? समाजवादी नेता है। पंडित राम किशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया है। समाजवादी नेता ये रहे जिनका नाम है, क्या नाम है? पंडित राम किशन। पूर्व लोकसभा सांसद पंडित राम किशन को समाजवादी नेता के रूप में उनके प्रयासों पहचानते हुई नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फॉर्मर लोकसभा एमपी पंडित राम किशन वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ मैन ऑफ द कंट्री इन न्यू दिल्ली इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज इफोर्ट एज अ सोशलिस्ट लीडर। आदिवासी दलितों और गरीबों के लिए लड़ते हुए राम किशन को कई बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने समाजवादी आइकन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुरोध पर 1958-60 के दौरान राजस्थान के भरतपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स एंड फॉर लेबोरियस इन द भरतपुर बांसवाड़ा रीजन ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 1958 और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सोशलिस्ट आइकन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आरआरआर रिपीट रिकॉल रिवाइज में आप सभी को स्वागत है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित हुई?